जैसा कि हम जानते हैं कि जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच को, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बफर एक्शन के बारे में जानेंगे कि बफर एक्शन किस तरीके से वर्क करता है, कि कोई भी बफर सॉल्यूशन चेंज इन पीएच को कैसे रेजिस्ट करता है, द वे बफर रेजिस्ट चेंज इन पीएच, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं एसिडिक बफर, कि हमारा एसिडिक बफर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बेसिक बफर देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम एसिडिक बफर की बात करते हैं। देखो, हमारा एसिडिक बफर जो होता है वो बनता है हमारा वीक एसिड प्लस में सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ठीक है। यहाँ मैंने वीक एसिड लिया है एसिटिक एसिड, प्लस में सॉल्ट लिया है सोडियम एसिटेट, ठीक है। जब ये दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं तो हमारा एसिडिक बफर बनाते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या होगा कि भाई ये दोनों अपने आयनाइज होंगे और अपने आयंस देंगे। एसिटिक एसिड जो होगा वो ब्रेक डाउन होगा एसिटेट आयन प्लस में एच पॉजिटिव आयन, वहीं सोडियम एसिटेट सॉल्ट जो होगी, सोडियम एसिटेट जो सॉल्ट होगी ये हमारी टूटेगी एसिटेट आयन प्लस में सोडियम आयन, ठीक है। अब आप जैसा देख सकते हो कि भाई यहाँ पे दोनों में से ही हमें एसिटेट आयन मिल रहा है, दोनों में से ही हमें एसिटेट आयन प्राप्त हो रहा है, तो एसिटेट आयन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिटेट आयन विल बी कॉमन, ठीक है। तो इसी को हम कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, कि एसिटेट आयन यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक। अब बफर किस तरीके से काम करता है, देखो, अगर आप एसिड ऐड करोगे, इफ़ एसिड इज एडेड, ठीक है, एसिड का मतलब क्या कि एच पॉजिटिव आयन आप ऐड कर रहे हो, तो जो आप एच पॉजिटिव आयन ऐड करोगे वो किसके साथ कंबाइन कर जाएंगे, वो इस CH3CO- यानी कि एसिटेट आयन के साथ कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। तो एच पॉजिटिव आयन हमारे एसिटेट आयन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेंगे, एसिटिक एसिड बना लेंगे, जो कि एक वीक एसिड होता है, अनायोनाइज्ड वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड की वजह से चेंज इन पीएच नहीं आएगा ज़्यादा, ठीक है, कोई मेजर इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। वहीं अगर आप बेस ऐड करते हो, इफ़ बेस इज एडेड, बेस का मतलब क्या है कि OH नेगेटिव आयन आप ऐड कर रहे हो, तो OH नेगेटिव आयन जो आप ऐड करोगे वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, इस वाले H पॉजिटिव के साथ, ठीक। ये जो OH नेगेटिव आपने ऐड किया है ये इस वाले H पॉजिटिव के साथ आयन्स के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल दे देंगे, जो कि चेंज नहीं कर पाएगा पीएच को, ठीक है। तो एसिडिक बफर हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर आप एसिड ऐड करते हो तो एसिटेट आयन के साथ कंबाइन होके एसिटिक एसिड बना देते हैं, और अगर आप बेस ऐड करते हो तो वो एच पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके वाटर बना देते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि बेसिक बफर हमारा किस तरीके से वर्क करता है। अब बेसिक बफर का एक्शन देखते हैं कि बेसिक बफर किस तरीके से वर्क करता है। अब हमने एग्जांपल लिया है एक बेसिक बफर का, ठीक है। हमारा बेसिक बफर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस में अमोनियम क्लोराइड से मिलके, ठीक है, वीक बेस से प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस, ठीक। जब ये दोनों आयनाइज होंगे तो ये दोनों अपने आयन्स देंगे, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा अमोनियम आयन्स में प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में, वहीं अमोनियम क्लोराइड टूटेगा हमारा अमोनियम आयन्स में प्लस में क्लोराइड आयन्स में, ठीक है। अब आप जैसा देख सकते हो भाई यहाँ पर अमोनियम आयन्स कॉमन है, ठीक है, जो अमोनियम आयंस कॉमन है तो एक कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि इन दोनों अमोनियम आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। अब आप यहाँ पे अगर एसिड ऐड करते हो, इफ़ एसिड इज एडेड, ठीक है, एसिड यानी कि एच पॉजिटिव आयन आप ऐड करते हो, तो जो एच पॉजिटिव आयन होंगे वो OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर वाटर बना देंगे, ठीक है। कौन सा OH नेगेटिव, ये वाला OH, ठीक है, इस OH नेगेटिव के साथ एच पॉजिटिव आयन जो होंगे एसिड के वो कंबाइन होकर वाटर बना देंगे, ठीक है। और वाटर क्या करेगा भाई, वाटर हमारा ज़्यादा चेंज नहीं ला पाएगा, ठीक है, पीएच में। इसकी वजह से बेसिक बफर रेजिस्ट कर सकता है चेंज इन पीएच। अगर आप बेस ऐड करते हो इसमें, तो बेस किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, वो अमोनियम आयंस के साथ कंबाइन कर जाएगा, अमोनियम आयंस के साथ बेस कंबाइन कर जाएगा, यानी कि OH नेगेटिव आयंस कंबाइन कर देंगे और बना देंगे हमारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा वीक बेस है, यही वाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से चेंज नहीं आ सकता पीएच में, ठीक। देखो, जो हमारे वीक बेस होते हैं या वीक एसिड होते हैं ये चेंज नहीं ला सकते ज़्यादा पीएच में, ठीक है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही चेंज ला सकते हैं।